एक रिक्वेस्ट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स. आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट UGC दे हैव गिवन ए लेटर गाइडलाइंस 29th of April ऑफ UGC यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, कि एक गाइडलाइंस दिया था कि आपको अभी टर्मिनल एग्जामिनेशन कंपल्सरी करने का जरूरत नहीं है. हम आपको लेटर भी दिया था 11 जुलाई इसका बारे में, हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी दिया, और सारे स्टेट गवर्नमेंट भी दिया. अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो हम लोगों ने पहले जो उसका गाइडलाइंस था, UGC का गाइडलाइंस, उसका मुताबिक हम लोगों ने तैयार किया कि इसको जो पहले का रिजल्ट है वो देख के, उसको सेमिस्टर जो है उसको देख के उसको प्रमोशन मिलेगा. एग्जाम भी इसमें है, लेकिन अभी UGC क्या किया, अभी एक लेटर दे दिया 6 जुलाई को, उसको रिवाइज कर दिया करके बोलता है आपको पूरा इसको एग्जाम लेने का टर्मिनल एग्जामिनेशन कंपलसरी है. अगर टर्मिनेशन एग्जामिनेशन कंपलसरी है तो हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कॉलेज के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा सर. कैसे करेगा, अभी तो स्कूल कॉलेज सब बंद होकर पड़ा है, कब खुलेगा, इसका बाद उसको कब से ठीक में एक साथ में बैठ सकता है, कब कभी जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है. इसे तो बेचारा वो लोगों को पढ़ा सुना बहुत दिक्कत हो गया, बहुत नष्ट भी हो गया. तो इसी के लिए वी हैव टू हेल्प द यूथ, वी हैव टू हेल्प द स्टूडेंट्स. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज टेल द एजुकेशन मिनिस्ट्री टू टेक अप द मैटर विद द UGC सो दैट व्हाट वाज द डिसीजन अर्लियर 29th of April, व्हाट वी आर अबाइडिंग बाय दैट ऑर्डर, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स. मैं यही बात कह के आपको हम रिक्वेस्ट करने चाहूँगी कि हमारा परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट का, उसको देख लीजिए आप. हम साथ साथ में अब ये कहने चाहूँगी कि हमारा देश